हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑन कोर एलिमेंट्स ऑफ एनसीएफ 2005 विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, पैडागॉजी एंड इवेल्युएशन। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, सब्सक्रिप्शन इज टोटली फ्री एंड साथ ही में क्लिक कर द बेल आइकन पर, ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पर ही मिल जाए। सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन ऑन कोर एलिमेंट्स ऑफ एनसीएफ 2005 विद रिस्पेक्ट टू एम्स ऑफ एजुकेशन। देखिए, फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि इसके एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है एनसीएफ के। हमने इसके जो बेसिक रिकमेंडेशंस हैं वो भी डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियोज़ में। सो इसमें देखिए क्या होता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, लाइफ स्किल्स, थॉट एंड एक्शन, ये सारी चीज़ें क्या कहता है एनसीएफ के एम्स ऑफ एजुकेशन है। अलॉन्ग विद दैट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये कहता है कि जो बच्चों की डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक फेज में नहीं होनी चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। सो द फर्स्ट इज दैट एनसीएफ 2005 के जो एम्स हैं ऑफ द एजुकेशन वो इतने ब्रॉड नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया के लिए ही हैं। क्लियर? सो दीज एम्स आर नॉट दैट ब्रॉड। सेकेंड ये है कि जो इसका एम है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड का, एजुकेशन एम एट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द नेशन, तो ये डेफिनेटली है इसमें। देन वी कैन ऑल्सो से कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये कहाँ से डिराइव करता है, स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द वैल्यू एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज लिखी हुई हैं लाइक स्ट्रेंथनिंग यूनिटी या फिर नेशनल आइडेंटिटी की, मल्टीकल्चरल कंटेक्स्ट है, वो सारी चीज़ों के लिए या फिर आने वाले फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चैलेंजेस हैं, वो फेस करने के लिए इसके एम्स सफिशिएंट है। देन वी कैन से कि हमारे फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो हमारा बेसिक एम है स्कूल्स में, जो कुछ भी होता है, जो भी करिकुलम है, उसका क्या है, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि एनसीएफ भी वही जो वैल्यूज हैं लाइक डेवलपिंग एबिलिटी टू लर्न, रिस्पॉन्ड टू न्यू सिचुएशंस इन अ फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव मैनर। क्लियर? कोई भी न्यू सिचुएशन आती है लाइफ में, 21st सेंचुरी में हम किस तरह से चीज़ों के लिए रिएक्ट करेंगे, क्या वैल्यूज होनी चाहिए, वो सारा कुछ इन्होंने अपनी एम्स में इनकलकेट किया है वाइल प्रिपेयरिंग करिकुलम फॉर द इंडियन स्कूल्स। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पैडागॉजी। तो देखिए, एनसीएफ 2005 विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल पैडागॉजी बेसिकली ये क्या कहता है कि बच्चों को क्रिटिकल ऑब्जर्वर्स बनना चाहिए, खुद देखना चाहिए कि क्या कंडीशंस हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, किस तरह से वो उस चीज़ में से निकल के बाहर आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए उनका। क्लियर? और उनमें अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंसेस हैं उनके खुद के, क्या परसेप्शंस हैं किसी चीज़ को लेकर, इम्पॉर्टेंस फील करनी चाहिए उनको जो भी वो खुद ऑब्जर्व करते हैं, बजाय इसके कि वो डिपेंडेंट फील करें। क्लियर? दे शुड बी एनकरेज टू डेवलप द मेंटल स्किल्स नीडेड टू थिंक एंड रीजन इंडिपेंडेंटली एंड हैव द करेज टू डिसेंट। इसका मतलब ये कि ये सिखाता है कि आपको इंडिपेंडेंटली काम करना सीखना चाहिए, खुद की स्किल्स को एनहांस करें, खुद की ऑब्जर्वेशन को एनहांस करें। क्लियर? देन ऑल्सो द स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन एंड चैलेंज पॉजिटिव डोमिनेशन, यानी कि खुद आप अपनी बात रखना सीख। एंड जो भी फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको अपनी बात रखने से रोकते हैं या फिर आपको स्टेप बैक करने की कोशिश करते हैं, उनको आप बिल्कुल भी मत देखिए, उनको इग्नोर कीजिए। बेसिकली इट इज the theory that helps the students to achieve critical consciousness। और ये जो pedagogy है ये recommend की है हमारे modern educationists ने भी, and also the educationists by NCF 2005। लेकिन इसके बाद भी क्या है कि हमने notice किया है कि ये pedagogies Indian schools में भी almost missing है, completely implement इनको नहीं किया गया है। Now we will see the reflection of core elements of NCF with respect to evaluation। So देखिए, evaluation के related NCF ने क्या कहा है कि कुछ examination reforms हमें चाहिए ताकि हमारी जो evaluation हो वो good हो and effective हो। Along with this इन्होंने कहा है कि जो reform हमें चाहिए evaluation में वो regarding paper setting होना चाहिए, examining and reporting, और जो focus होना चाहिए good questions frame करने से better ऑप्शन नहीं होती है कोई भी, तो पेपर सेटिंग पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, गुड क्वेश्चंस हों जो यूजफुल भी हो रियल लाइफ के रिलेटेड और बच्चे उसको अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाएं, लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होनी चाहिए, सब्जेक्टिव भी होनी चाहिए, ये चीज़ें इन्होंने प्रपोज की हैं। और जैसे हमने बात की थी कि एन
1986 में सीसीई को इन्होंने रेकमेंड किया था, तो इसमें एनसीएफ 2005 ने भी रेकमेंड किया है सीसीई में इवैल्यूएशन अलोंग विद द स्कूल बेस्ड असेसमेंट। अब इवैल्यूएशन में देखिए क्या होता है, इवैल्यूएशन के लिए पहले एग्जामिनेशन कंपलसरी होता है, तो उसमें रिड्यूसिंग स्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट्स होता है। तो सीसीई में हमें पता है कि रिड्यूस होता है स्ट्रेस, उसमें आप जो भी अपने पॉइंट्स लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, लाइक बच्चों का जो बर्डन होता है रेगुलर स्टडी होने के कारण, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है। एक तो रेगुलर स्टडी होती है टाइम इंटरवल्स पर और स्मॉल पोर्शंस ऑफ कंटेंट ही उनको पढ़ना होता है। देन जो स्टूडेंट्स है वो पैसिव लर्नर्स नहीं है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं क्लासरूम की हर एक्टिविटी में। उसके साथ क्या है, बच्चों को एक्सपोजर इतना ज़्यादा मिलता है क्योंकि उनका स्ट्रेस सिर्फ स्टडी मटेरियल पर नहीं है, स्कोलास्टिक एरियाज पर नहीं है, बल्कि को स्कोलास्टिक फील्ड्स में भी है, जहाँ पर वो अपने कैलिबर को भी शो कर सकते हैं, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन अगर हम टीचिंग के बारे में बात करें तो टीचर्स डायग्नोज कर सकते हैं बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम है यूजिंग वेरियस डायग्नोसिस टेस्ट, ठीक है, तो रेमेडियल मेजर्स वो ले सकते हैं, उनके पास इतना सारा मीडियम है टीचिंग करने के लिए। दे कैन यूज स्मार्ट क्लासेस, प्रेजेंटेशंस, ठीक है, मॉडल्स, चार्ट्स, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए भी और इवेल्युएशन के लिए भी। तो दीज आर द रिफ्लेक्शंस रिलेटेड टू इवेल्युएशन, सो आप इनको ध्यान से समझिए और अपनी लैंग्वेज में इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये टॉपिक भी होता है कम्प्लीट। सो वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।